हाँ हम लोग बोला गया सुबह में कि हम लोग नक्सली हैं, हम लोग धरना देंगे तो हम लोग नक्सली हैं, रोजगार मांगेंगे तो नक्सली हैं हम लोग। हाँ हम लोग जो स्किल इंडिया से जो ट्रेनिंग के, आखिर ये आपका योजना किस लिए चला था? नहीं होगा, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम लोग काम नहीं देगा तो घर में जो खदान जो है बनाए, हम लोग आउटसोर्सिंग घर में खोद दे। हम लोग जो बोलता है कि 75% देंगे, वो 75% खोखला है और दावा उसका खोखला है। झारखंड सरकार और नरेंद्र मोदी भी इसमें हम लोग रोजगार के मामले में फेल। हम लोग को काम नहीं दे रहे, डंडा और लाठी चलवा रहे हैं, धोप जमा रहे हैं अपना। आप हटाइए धरना को, जबकि हटाने तक का मौका नहीं था। मच्छरदानी खींच दिए, टेंट गाछ पे चढ़ के तोड़ दिए, बांस कबाड़ दिए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। वो MS पांडे हमको साफ बोले कि आप लोग का जो ये रवैया था, आप पे सूरज कुमार हम 100 FIR हम कर। यदि कह दे कोई सरकार के यहाँ काम मांगना गुनाह है तो हम लोग उठ जाएंगे। जब 90 दिन बिना हम बिजली का हम काट के हम रह सकते हैं तो हम अभी भी रहेंगे। पर डे 1 केस का हमको धमकी मिल रहा है, 1 केस डेली दे रहे हैं। ये कहते हैं कि आप हमको एक बार और मौका दो। हम बोले सर ये ऐसा मौका एक बार कई बार आया और कई बार गया, अब कोई एक बार मौका नहीं होगा। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। क्या बताइए, संविधान भी इजाजत देता है तो ये कौन होता हम लोग को हमारे साथ अन्याय करने वाला। ये MS पांडे जी आके हमको डायरेक्ट, और GM सुरक्षा के हैं, सुरक्षा को देखते हैं और GM CTP उनका है। वो MS पांडे हमको साफ बोले कि आप लोग का जो ये रवैया था, आप पे सूरज कुमार हम 100 FIR हम करवाए हैं। करवा दिए। बोले जाके पता कर लो, सराय ढेला थाना में डेली एगो आवेदन जा रहा तेरा मैनेजमेंट। हम यही गुनाह किए कि हम रोजगार मांग रहे हैं, हम रोजगार मांग रहे हैं तो मेरे पे केस हो रहा, पर डे 1 केस का हमको धमकी मिल रहा है, 1 केस डेली दे रहे हैं। हाँ क्या यहाँ आके हुड़दंग वगैरह कर रहे हैं क्या? कुछ नहीं, हम लोग अपना बत्ती तक नहीं, अंधेरा में हम लोग लाइट और बिना साउंड का हम लोग धरना दे रहे हैं और कंपनी से यही गलती कर रहे हैं कि हम लोग रोजगार मांग रहे हैं। और बताइए, इस देश में अगर रोजगार मांगना गुनाह है तो हम कहाँ जाएँ? आज देश का प्रधानमंत्री जो है 8 करोड़ रोजगार बोल के आज मौन है, झारखंड सरकार 5 लाख रोजगार पे मौन है, BCCL मैनेजमेंट उनके संरक्षण में मौन है, 75% पे भी सरकार मौन है, तो हम लोग का कहाँ, हम लोग का जो भविष्य कौन तय करेगा, हम लोग किस लिए हम लोग प्रशिक्षित हो? सांसद विधायक एक दिन देखने तक नहीं आए, आज भी मैंने कॉल किया राज सिन्हा जी को, मैं बताया, बोला मैं बाहर। सांसद जी को तो मैं पहले भी किया, उनका घर हम 150-200 बार हम गए, लेकिन वो बोलते हैं आजकल आज तक बात करने मैनेजमेंट से नहीं। आप बताइए, जब कोई स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर है मिनिस्ट्री ऑफ कोल का, कोयला मंत्रालय के, उसके बाद भी वो आज तक हमारा मामला को ना सदन में रखें ना मैनेजमेंट के पास रखें। सांसद जी, हाँ आज बताइए, आज हम अपना मामला को लेके क्या प्रधानमंत्री पास जाएंगे? हम दिल्ली में अभी, हम 10-15 दिन पहले हम दिल्ली गए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तमाम केंद्रीय मंत्री को हम चिट्ठी दे के हम आए, बाई हैंड सभी का रिसीविंग भी है मेरे पास, लेकिन सरकारी पूरी तरह भाजपा भ्रष्ट है और आज तक हमारा मामला आवेदन लिया और फेंक दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई सूद नहीं ले रहा। और मत 90 दिन हो गया, पहले 54 दिन था, इससे पहले 54 दिन क्या हड़ताल किए थे? हाँ यहाँ बैठे हुए थे, तो PN सिंह आके हड़ताल को तोड़वाए मैनेजमेंट से मीटिंग करके। हाँ इधर 90 दिन में कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। आए आपका मयूर शेखर झा आए, जिस दिन कांग्रेस के जिस दिन धरना हटवा रहा था वही रोकवाए, संतोष सिंह आए, अभिजीत राज आए, लेकिन जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं संवैधानिक पद पे वो आज तक नहीं है। और आज भी मयूर शेखर झा आज बात किए हैं आपका थाना प्रभारी से कि ऐसा ऐसा मामला पे, अभी वो क्षेत्र से बाहर है और वो बोल रहे हैं हम बात कर रहे हैं जिला प्रशासन से इस मामले में। तीसरा, आज तक अभी तक इस पे सूद लेने नहीं है। सुबह डायरेक्ट आके हमारा धरना को उखाड़ दिया गया, मैनेजमेंट कह रही है कि आप हटाइए धरना को, जबकि हटाने तक का मौका नहीं दिया गया, दल बल के साथ आए और धरना को उखाड़ के फेंक दिया। वो लोग डायरेक्ट देखे, तिरपाल फट गया, टेबल उलट दिया, कुर्सी उलट दिया। आज सुबह 7 बजे हम लोग कोई नोटिस कोई सूचना नहीं था हमारा कि आप धरना हटाइए नहीं तो हम एक्शन लेंगे, अगर ऐसा भी बोलते तो हम देखते, लेकिन हमको कोई सूचना नहीं है, डायरेक्ट दल बल के साथ आए उखाड़ के फेंक दिए। आप लोग यहाँ जा रहे हैं? नहीं, जब तक मेरा मांग पूरा नहीं होगा हम बिना टेंट के हम बैठेंगे। जब 90 दिन बिना हम बिजली का हम काट के हम रह सकते हैं तो हम अभी भी रहेंगे और पूरा दल बल के साथ हम भी रह रहे हैं, क्योंकि भैया हमको रोजगार चाहिए, क्योंकि यहाँ का स्थानीय सांसद आज तक मेरा बात को संसद में नहीं रखा, तो हम कौन हमारा मामला को लेके जाएगा?
यहाँ भी नहीं रखा, यहाँ भी नहीं रखा। अभी 90 दिन में आना तो चाहिए सांसद जी को, सूचना दिए आने के लिए, एकदम सूचना उनको, सूचना धरना का नोटिस तक हम उनको दिए कि हम धरना में बैठे हुए हैं। कि संविधान भी इजाजत देता है कि जहाँ पे आप काम किए हैं वहाँ जीविका चलाने का आपका अधिकार है। हम लोग स्वतंत्र भारत के नौजवान है, क्या बताइए, संविधान भी इजाजत देता है तो ये कौन होता हम लोग को, हमारे साथ अन्याय करने वाला, आप बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे। हम लोग संविधान भी इजाजत देता है, कहता कि जहाँ पे आप काम किए हैं, योगदान दिए हैं, वहाँ जीविका चला सकते हैं। अब ये बताइए कि हम लोग काम मांग रहे हैं, काम मांगना क्या गुनाह है, आप बताइए। हम लोग को काम नहीं दे रहे, डंडा और लाठी चलवा रहे हैं, हाँ धोप जमा रहे हैं अपना, आप बताइए ये क्या नजायज नहीं है तो क्या है, बताइए। हम लोग 90 दिनों से कोई खा भी नहीं रहा लड़का, यहाँ पे जो है पड़ा हुआ है। अरे आपको तो आप सहयोग करना चाहिए कि हमारा जो है कि नौजवान जो है यहाँ का स्थानीय लड़का जागरूक है, काम करना चाहता है, शिक्षित है। हम लोग का हमारा माँ बाप कितने पढ़ाया था, इसलिए पढ़ाया था कि हमारा नौजवान जब हमारा बेटा होगा तो हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हम कल भी बोझ थे अपने माँ बाप का, आज भी बोझ है, किस लिए, यह भ्रष्ट सिस्टम की वजह से हम लोग जो है बोझ पड़े हुए हैं। अरे काम काम मांग रहा है, आप बताइए, काम नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो है कि देख रहे सुबह में सब फेंक दिया गया, ये क्या कहते, ये अन्याय कर रहे हैं आप, अन्याय करना छोड़िए, सब मौन है। हम लोग कहाँ जाए, किससे जो है कि न्याय का गुहार लगाए। तो धनबाद में सांसद विधायक तो हैं, है मगर सुनने का कहाँ कोई तैयार है, सुने तब ना, आज सुन लेता तो 90 दिन से हम लोग बैठे रहते, कोई देखने भी नहीं आया, कोई नहीं। आप बताइए, हम लोग घर पे भी जाते हैं तो कहते हैं कि ठीक है आज तुम लोग जो है कि घर नहीं चला पा रहा, ये नहीं कर रहा, हम लोग कहाँ जाए, अपना बेबसी किसको बताएं। हम लोग पढ़ाई लिखाई किए थे, इस सेक्टर को इसलिए चुने थे कि कोयलांचल का क्षेत्र है, क्या यहाँ पे किसान बन जाए। और हम लोग जो स्किल इंडिया से जो ट्रेनिंग के आगे, ये आपका योजना किस लिए चला था, कुशल बनाएंगे आपको, ड्राइवर बनाएंगे, गाड़ी नहीं देंगे चलाने के लिए तो आप क्या करिए। आप डॉक्टर है, कहेंगे डॉक्टर बन जाओ और तुमको इलाज नहीं करना, क्या ये देश का संभव है कि देश आगे बढ़ पाएगा, मरीज नहीं मर जाएगा। हम लोगों को आज जो है कि सिखाया है कि डंपर बनाओ, डोजर बनाओ, और हम लोग काम नहीं देगा तो घर में जो खदान जो है बनाए, हम लोग आउटसोर्सिंग घर में खोद दें, हम लोग घर में जो है कि बनाए कि बड़ा बड़ा गाड़ी हम लोग अपने से बनाएंगे, क्या इस सक्षम है। तो आप लोग को रोजगार नहीं मिल रहा था, किसको मिल रहा है रोजगार, किसको मिल रहा है उनसे पूछिए कि रोजगार आखिर वो किसको दे रहा है। हम लोग को रोजगार मिलता तो धरना प्रदर्शन करते, और हम लोग काम मांग रहे हैं। आप बताइए कि आप छोटा सा मोबाइल अभी आप चला रहे हैं सैमसंग का, अभी बिगड़ जाएगा तो आपका वीवो कंपनी में चल जाइएगा, नहीं ना आप सैमसंग कंपनी में जाइएगा ना। जब मोबाइल का ठीका नहीं ले सकता है तो हमारा जीविका चलाने के लिए कोई दूसरे कंपनी लेगा, कभी नहीं ले सकता। रेलवे युवाओं को, अपना अप्रेंटिसों को भविष्य संवारने में लगा हुआ है सर, और हम लोग का जो है बीसीसीएल हम लोग का शोषण कर रहा है, भविष्य बिगाड़ने में लगा हुआ है। आप जो है कि सिटी लाइव चैनल के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, आप लोग भारत का चौथा स्तंभ है, हम लोग को न्याय दिलाने का काम करिए सर, बस हाथ जोड़कर यही विनती करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार हुआ, और हम बहुत तकलीफ से है सर, हम लोग का जीविका चलाना जो है दुश्वार हो गया, हम लोग जो है हम लोग आज बेरोजगारी महंगाई सब जो है चरम सीमा पार कर रहा है, कैसे घर द्वार चला, आश्वासन आश्वासन से किसी का पेट भरेगा सर, बताइए आप। ये अन्याय हो रहा सर, ये अत्याचार हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इन लोगों को रोजगार देना चाहिए, इनको खुद सोचना चाहिए कि युवा जो है कि जागरूक है, काम करना चाहता है। और हम लोग ट्रेनिंग इसलिए किए कि हम लोग कोल इंडिया में ट्रेनिंग इसलिए लिए कि हम लोग कोल इंडिया को शिखर तक पहुंचाने काम करेंगे, प्रगति पे पहुंचाने काम करें, पहले देश का उन्नति फिर मेरा उन्नति, हम लोग का ये मानसिकता है। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम रोजगार देंगे, प्रधानमंत्री कहाँ है, रोजगार के मामले में प्रधानमंत्री फेल है, और झारखंड सरकार भी फेल है, जो बोलता है कि 75% देंगे, वो 75% खोखला है और दावा उसका खोखला है। झारखंड सरकार और नरेंद्र मोदी भी इसमें हम लोग रोजगार के मामले में फेल है, मोदी भी फेल है, और कोयला मंत्री जी भी अपना अप्रेंटिस को नहीं कर रहे, जो असली वैष्णो जी है रेल मंत्री, वो अपना अप्रेंटिस को रखने का काम कर रहे हैं, और वही कोयला मंत्री जी हम लोग का बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, नक्सली बनाने का काम कर रहे हैं। नक्सली? हाँ, हम लोग बोला गया सुबह में कि हम लोग नक्सली है, हम लोग धरना देंगे तो हम लोग नक्सली है, रोजगार मांगेंगे तो नक्सली है हम लोग। पांडे जी ने डायरेक्ट बोला कि आप लोग नक्सली को संरक्षण दे रहे हैं यहाँ पर बैठ के। मैं 7 बजे वहाँ पूजा कर रहा था, जब मैं आया 4 लोग सोए थे मच्छरदानी के अंदर, वहाँ से 2 आए CISF वाले, साथ में पांडे जी आए और आके सीधा तोड़फोड़ ये लोग करने लगे। जी बोलिए सर, पूछिए पूछिए ना, क्या हुआ आज सर? आज बहुत जो आज परिस्थिति जो आप जो अभी देख रहे हैं, सुबह सुबह हम लोग सर सोए हुए थे और अचानक अपना दल बल को लेकर आए, हमारा लड़का सोया हुआ था, मच्छरदानी को घींच दिए, MS पांडे जी आए थे
और हमारे बार बार इनका नाम सुन रहे हैं, रमेश पांडे कौन है सर? सबसे बड़ा अगर देखा जाए हमारा काम को डिस्टर्ब करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम ये सर सिक्योरिटी गार्ड के ये सीटीपी हैं जी। अच्छा। और हमारा लड़का सोया हुआ था, ये आए मच्छरदानी खींच दिए, टेंट गाछ पे चढ़ के तोड़ दिए, बांस कबाड़ दिए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि नहीं कि अभी क्या हो रहा नहीं हो रहा। हम लोग बोले सर हम लोग एक प्रशिक्षु हैं, हमें ये पता है कि हमें रोजगार नहीं मिला, बस हम यही जानते हैं और इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी दल बल के साथ जबरन अभद्र भाषा का यूज हुआ, हमारे टेंट को उखाड़ा गया और ये कहते हैं कि आप हमको एक बार और मौका दो। हम बोले सर ये ऐसा मौका एक बार कई बार आया और कई बार गया, अब कोई एक बार मौका नहीं होगा। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे सर। टेंट का बाड़ना और या चेयर फेंकने से हमारा हौसला नहीं फेंका जाएगा, हमारा हौसला नहीं टूटेगा। और जब तक हमारा जान है तब तक हम लोग युवा के लिए लड़ेंगे और युवा को रोजगार दे के ही जाएंगे। टेंट हमारे लिए मायने नहीं रखता, हमारा मायने रखता है हमारा स्ट्रीम, जिसके लिए हम आज हम लोग लगभग साल भर से ये हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। और कल शाम को भी कल ऐसे तीन चार लड़कों को देख कर आए और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए, बोले यार तुम अड्डागिरी बना कर रख दिए हो, हैं धरना तुम लोग यहाँ पे देते हो आके, तो हम लोग क्यों नहीं देंगे? हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम इस अधिकार के हिसाब से जो कर रहे हैं वो हमारा सही है। हम युवाओं पे जो अत्याचार है शोषण हो रहा है इसको जो है बर्दाश्त लायक है नहीं, इसको न्याय हम लोगों को देने का काम करें, हम लोगों को रोजगार देने का काम करें जिससे मेरा घर का जीविका चल सके। आज हम लोग त्रस्त परेशान है, मांग रहे काम, 90 दिनों से हम लोग परेशान हैं, यहाँ उठाया जा रहा है, अरे काम दीजिए, काम मांग रहा है युवा, कोई हम लोग बैठ के खाने के लिए नहीं मांग रहे। धरना प्रदर्शन करना मेरा शौक नहीं है, हम लोग का धरना प्रदर्शन करने का कोई भी मंशा नहीं है, मगर आज जब हम लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं तब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप हम लोग को दे दीजिएगा हम धरना प्रदर्शन उठा देंगे, मगर पहले आप हम लोगों को रोजगार दीजिए, हम लोगों को रोजगार से जोड़िए। और सरकारी नौकरी तो हम लोग जो है कि इसका सपना देखना छोड़ दिए। आप बताइए कि लड़का लोगों को हमारे सूरज भैया है उन पे कह रहे हैं कि 100 FIR दर्ज कराने के लिए जो है धमकी दिया गया है, दर्ज करा दिए हैं, इस तरह के जो है कि इस भाषा से प्रस्तुत कर रहे हैं, हम लोगों का और मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं, मगर हम लोग इस तरह से हम लोग मनोबल अपना टूटने नहीं देंगे। हम लोग तब तक यहाँ पे धरना पे रहेंगे जब तक हम लोग को रोजगार से जोड़ ना दिया जाए। कब प्रशिक्षण हुआ था हमारा? 19-20 में हम जो है कि उसके बाद से आप लोग रोजगार, उसके बाद से जो है कि बेरोजगार पड़े हुए। कोरोना काल में भी हम लोग जिस तरह से कोरोना काल में इतना महामारी वैश्विक बीमारी में भी हम लोग जो है बीमारी को दरकिनार करके जो हम लोग कोल BCCL में जो है कि हम लोग ट्रेनिंग जो है लिए कि नहीं कहीं ना कहीं मेरा भविष्य जो है मैनेजमेंट कोल प्रबंधक जो है संवारने का काम करेंगे, क्योंकि हम लोग जो है कि निष्ठापूर्वक और साफ मन से हम लोग जो है ट्रेनिंग दिए, बीमारी को भी दरकिनार कर दिए। हम लोग यहाँ तक स्टाइपन नहीं देख रहे थे, अपना जो है कि वहाँ हुनर दिखाने का काम कर रहे थे, मगर आज हम लोगों को जो है कि बेबस और लाचार खड़े हुए हैं, आज हम लोगों को कोई सुन नहीं रहा है। पहले तो सर हम लोग यहाँ का स्थानीय युवा हैं, जितना भी हम लोग अप्रेंटिस करके यहाँ बैठे हैं सब स्थानीय हैं, और हम लोग को यहाँ बोला गया आज धरना में, हम लोग धरना तोड़ दिया गया और बोल रहा है कि तुम लोग नक्सली है। ये बताइए, हम लोग प्रशिक्षित होके और यहाँ हम लोग एक साल काम किए और हम लोग को काम करने के बाद कोरोना काल में भी हम लोग को पूरा यहाँ काम करवाया गया और हम लोग को बोल रहा है कि तुम लोग यहाँ से नक्सली है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। हाँ भाग जाओ, भाग गए। हम लोग यहाँ देख रहे हैं, हम लोग को सारा तोड़ फोड़ दिया गया सब चीज आज। आप तो उस दिन रोजगार मेला में भी गए थे रोजगार के लिए? हाँ, तो रोजगार मेला में गए, बोरा वाला नौकरी में था। तो हम लोग इतना प्रशिक्षित हो के BA MA करके हम लोग बोरा कैसे ढोएंगे? और आज यहाँ का स्थिति देख रहे हैं कि हम लोग को जो MS पांडे जो हम लोग को आज किया छलावा, और हम लोग आके हम लोग सोए हुए थे और सब हम लोग को धरना वरना उखाड़ कर बिक दिया गया। क्या मांग है आप लोग? हम लोग का मांग है कि हम लोग आउटसोर्सिंग में रोजगार दिया जाए।